हेलो फ्रेंड, मैं नवीन लुगुन। मेरा पापा का नाम रोमानुस लुगुन। मैं ओडिशा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैं भी आप लोग के तरह जॉब के तलाश में था। मैं एक टीचर था, लेकिन उस प्रोफेशन से मैं सेटिस्फाई नहीं था। इसलिए मैं क्या करूँ वो सोचने लगा। तो मेरे को ये लगा कि ऐसा एक कोर्स है जो कि जिसमें से मैं एक पैसा भी कमा पाऊँ, इज्जत भी हो और लोगों का जान भी बचा पाऊँ। इस प्रकार का कोर्स जो मेरे को दिखा वो था जो कि सेफ्टी ऑफिसर कोर्स। इसलिए मैं इसको चुना और मैं सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करने के लिए मैं तय किया। मैं जब इंटरनेट पे सर्च किया, मैं बहुत सारे कमेंट्स देखा, बहुत सारे लाइक्स देखा, उसके साथ साथ 5 स्टार भी देखा। इसीलिए मैं जो इंटरनेट में दिया हुआ नंबर पे मैं कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरे को बुलाया गया इंस्टीट्यूट में, और यहाँ के मैडम जो थे वो मेरे को अच्छे तरीके से बताए। बताने के बाद मैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन किया। एडमिशन लेने के बाद मैं यहाँ आया, और आने के बाद मेरे को जो सार, जो कि हम लोग का खुद डायरेक्टर हैं, वो गल्फ रिटर्न भी है और यूके यूएसए सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और मेंबर्स ऑफ आयोस भी हैं, और वो खुद हम लोग को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद जिस तरीके से, जिस तरह हम लोग को पढ़ाया गया कि हम लोग एक ही बार एक्सप्लेनेशन में हम लोग का दिल दिमाग में रह गया, और वो जो जिस तरीके से पढ़ाते थे वो कॉन्क्रीट एग्जांपल देते हुए, और सर का वो अपना खुद का एक्सपीरियंस जो अपना गल्फ में किए थे, वो सब एक्सपीरियंस भी हम लोग को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग को पढ़ाते थे। इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग को पढ़ाया गया कि एग्जांपल भी दिया गया कि हम लोग का जो भी पढ़ाया गया वो हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया। यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं इंटरनेट में सर्च किया, जॉब सर्च किया, और मैं उसमें रेज्यूम भेजा। रेज्यूम भेजने के बाद मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू देते समय मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं सब क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दिया और मैं एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। ये सब इसलिए हुआ कि हमारे सर आसिफ कमार के गाइडेंस और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का जो तरीका था, उसी वजह से मैं एक ही बार में सिलेक्ट होके मैं आरकेजे इंसुलेशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं वहाँ शुरू से मैं काम किया, और जो भी काम किया, मेरा ओनर, मेरा साइट इंचार्ज, जो भी मेरा से ऊपर थे, सब मेरे काम को देख के खुश थे। और वो जो भी मैं वहाँ काम किया, ये वेलफेयर इंस्टीट्यूट से जो भी सीखा था, वही मैं वहाँ काम करने के बाद मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिला, और मेरे को ये बोला गया कि आपके जैसा सेफ्टी ऑफिसर नहीं मिलेंगे। मेरा स्टार्टिंग सैलरी 20,000 था, और कंपनी के और सारे फैसिलिटीज था, जैसे रूम, ट्रैवलिंग, ये सब फैसिलिटीज सब था जो कि हम लोग को आज सेफ्टी ऑफिसर हम लोग को दिया गया था। मैं आप सभी दर्शकों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, सिर्फ आप आइए ये वेलफेयर इंस्टीट्यूट में। यहाँ सेफ्टी कोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर बनाया जाता है। इसीलिए मैं आप सबों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वेलफेयर इंस्टीट्यूट में आइए और एक बेहतरीन सेफ्टी ऑफिसर बनिए, ताकि देश विदेश में आपका नाम होगा, इंस्टीट्यूट का नाम होगा, और लोग बोलेंगे ये इंस्टीट्यूट रियली अ गुड इंस्टीट्यूट। सेफ्टी ऑफिसर बनिए, और अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटी में रहकर आप खुश रहिए, और अपना परिवार को भी खुश रखिए, ताकि जो आप सोच रहे हैं कि अपना परिवार को आगे बढ़ाना, अपना भाई बहन को पढ़ाना, या आप परिवार के जितना भी जरूरतें हैं उसको पूरी करना, तो आप सेफ्टी ऑफिसर बनिए और अपना परिवार को खुश रखकर अपना जिंदगी भी आगे बढ़ाइए। देश की भलाई के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में आप इस वीडियो को शेयर करिए। पढ़ेगा देश तभी तो आगे बढ़ेगा देश। जय हिंद, जय भारत। देश के हित के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।